हेलो बच्चों, पहली कक्षा में हमने पाठ एक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पाठ दो। पाठ दो है हमारा वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, पाठ दो है हमारा वर्ण और वर्णमाला। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे एक सेब दिया है। से हलंत प्लस ए प्लस बे हलंत प्लस ए मिलकर क्या बना? सेब। इसमें हमारी कितनी ध्वनि आई? चार। ऐसे ही दूसरा हमको दिया है संतरा। से हलंत प्लस ए प्लस ने हलन प्लस ते हलन प्लस ए प्लस रे हलन प्लस आ मिलकर क्या बना? संतरा। इसमें हमारी कितनी ध्वनियां हैं? इसमें हमारी ध्वनियां हैं सात। बच्चों, आपने देखा जब हमने सेब तथा संतरा शब्दों को बोला तो हमारे मुख से छोटी छोटी अनेक ध्वनियां निकली। जैसे अभी हमने आपको सेब के बारे में और संतरे का जो संधि विच्छेद रूप है वो बताया। उसमें हमने आपको बताया कि उसमें कितनी ध्वनियां निकली। ये हमने सेब का बताया आपको और एक हमने संतरे का बताया। ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां ध्वनियां हैं। इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हें लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं हमारे? जो होते हैं हमारे अक्षर। अक्षरों को हम चिन्हित करते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या? जो अक्षरों के क्रम अनुसार समूह से बना वो हुआ हमारा वर्णमाला। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं। ए आ छोटा ई बड़ी ई छोटा औ बड़ा औ अंग अह कै खै गै घै ड़े चै छै जै झै ण टै ठै डै ढै ण तै थै डै ढै ने पै फै बै भै मै ये रे ले बे शे शे से है। ये हुए हमारी वर्णमाला। अब देखते हैं हम वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? दो। दो कौन कौन से? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। आइए पहला पढ़ते हैं स्वर। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण के साथ हम क्या किसकी सहायता लेते हैं? वर्णों की, उन्हें कहते हैं हम स्वर। और हमारे स्वर कितने हैं हिंदी में? 11। आइए देखते हैं कौन से 11 स्वर हैं। ए आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रे ऋषि ए एड़ी ए एनक औ ओखली औ से औरत। ये है हमारे 11 स्वर। दूसरा आता है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। जब वर्णों का उच्चारण करते समय हम सहायता लें तो वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33।
देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। कै खै गे घे णे चे छे जे झे जे टे ठे डे णे णे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे शे से है। ये क्या है हमारे व्यंजन? आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला आता है हमारा अन्य वर्ण। हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे कुछ और वर्ण भी सम्मिलित हैं जिन्हें हम कहते हैं अन्य वर्ण। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है विकसित व्यंजन। डे तथा ढे को विकसित व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इन्हें डे तथा ढे के नीचे बिंदु लगाकर विकसित किया गया है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये दो व्यंजन हैं, डे डमरू और ढे ढक्कन। इनके नीचे हम बिंदी लगाते हैं। इन दो वर्णों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं विकसित व्यंजन और इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित चार संयुक्त व्यंजनों को स्वीकार किया गया है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे देखते हैं हम, जैसे है श्रेय। के हलंत प्लस शय इज इक्वल टू के हलंत प्लस शय बराबर हुआ हमारा क्षत्रिय और कक्षा। त्रय ते हलंत जमा रे बराबर हुआ हमारा पत्र और मित्र। जय जय बराबर हमारा जय हलंत जमा रै इधिकल बराबर हुआ हमारा ज्ञान और विज्ञान। श्रेय श्रेय हलंत जमा रै इधिकल बराबर हुआ श्री और श्रमिक। ये हुए हमारे संयुक्त व्यंजन। अगला आता है हमारा अयोग वहा। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में, इसलिए उन्हें अयोग वहा कहते हैं। जो ना तो हमारे गिने जाए स्वर में जो और ना गिने जाए व्यंजन में, वो कहलाते हैं अयोग वहा। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। अह इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु ऊपर बिंदु वर्ण के शिरोरेखा, शिरोरेखा मतलब वर्ण के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे चंदन नंदन मंदिर आदि। अंग है होता है अनुसार। अनुसार होता है जो वर्ण के ऊपर हम लगाते हैं, ऊपर लगाना बिंदु, वो होता है हमारा अह अनु, जिसे कहते हैं हम अनुस्वार। दूसरा है हमारा ए है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह जो वर्ण के बराबर वर्ण के बाद में लगता है, जैसे दुख नमः प्रातः, जैसे नमः प्रातः दुख। एह विसर्ग है। विसर्ग क्या होता है? जो वर्ण के आगे लगता है वर्ण के बाद में लगता है, वो क्या कहलाता है हमारा? विसर्ग। जैसे नमः प्रातः दुख। अंग है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रमा वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर, वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर लगता है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे सांप दांत पांच आदि। अहा इसे अनुनासिक कहते हैं। वर्ण के जो ऊपर की शिरोरेखा के ऊपर लगता है चंद्रबिंदु के जैसा, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे सांप दांत पांच आदि। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा?
वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। क्या क्या सीखा इसमें हमने? नंबर एक वर्ण और वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार हैं। अब बताइए, आइए इसका उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न है हमारा? सही विकल्प वाले गोले को रंगी। पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अभी आपने पाठ में पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, तो ए इसका उत्तर है। दूसरा है हमारा वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। आपने ऊपर पढ़ा वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, इसका उत्तर हुआ। तीसरा है हमारा हिंदी में स्वर होते हैं 11, ए इसका उत्तर हुआ। खैर, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला हम आपको बताते हैं, आगे के आप करेंगे। पहला है, बोलते समय हमारे मुख से छोटी छोटी खालिस्तान निकलती हैं। खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? ध्वनिया। पहले का उत्तर हुआ ध्वनिया। इसके आगे के प्रश्न आप करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है हमारा पाठ दो। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ दो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें और अपने पाठ को मजबूत बनाएं। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं।